लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ से सटे गांव की रहने वाली छात्रा फकीर बाबा स्थान के पास घर के जरूरत का सामान लेने गई थी। तभी बोलेरो से आई तीन बदमाशों ने तमंचे के बल पर जबरन छात्रा को अगवा कर लिया। ये घटना 27 मार्च शाम के 4 बजे की है और पूरी रात गायब रखने के बाद नगर से 30 किलोमीटर दूर सुबह हाईवे पर लालपुल बैरियर के पास सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में फेंक गए। जब किसी राहगीर ने सड़क किनारे पड़ी छात्रा को देखा तब उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ी ने उसे PSC में भर्ती कराया, जिसका इलाज ढीला साजी करते हुए शुरू किया गया। उसके बाद छात्रा को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस को दी गई तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया मगर कार्रवाई करने से कतरा रही है। घटना को इतना समय बीतने के बाद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और परिवार जनों पर आरोपी दबंग राजीव परमेश्वर और अनिल उसका एक साथी ये सब मिलकर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि यदि मुकदमा वापस नहीं लेते हैं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पीड़ित छात्रा ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और राष्ट्रपति से ये गुहार लगाई है कि इस तरह से अपमानित होकर जीवन जीना बहुत कठिन है और पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, यहाँ तक कि अभी तक उसके बयान तक नहीं लिए गए। यदि उसके साथ हुई घटना की कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह आत्महत्या करने पर मजबूर होगी। रेनू वर्मा, मेरे साथ बलात्कार हुआ है, वो राजीव और अनिल ने किया है। मैं मार्केट गई थी गोला को, तो वापस जब आ रही थी तभी से मतलब पीछे से हमारे गाड़ी आई फोर व्हीलर, उसमें से मतलब मोड़ थी, वहाँ पे राजीव ने गाड़ी रोकी और उतर के मेरे तमंचा लगा दिया, कहा चिल्लाओगी तो तुम्हें मार देंगे हम, और इतने में मुझे अंदर डाल लिया। और मैंने देखा उसमें मतलब हमारे दुश्मन लोग बैठे थे, दुश्मन की वजह से उन्होंने मतलब मुझ पर वार किया। दुश्मनों में कौन कौन था? परमेश्वर दीन और उसका लड़का राजीव और भांजा अनिल। फिर क्या हुआ उसके बाद? मुझे मतलब नशीला पदार्थ पिला दिया, अज्ञात में ड्राइवर, उसे मुझे पता नहीं है। मुझे सुबह जब मुझे होश आया तो मैं चलने के लायक नहीं थी, तो कुछ लोगों ने देखा होगा तो 100 नंबर वाली मतलब पुलिस के पास फोन किया था। फिर पुलिस वहाँ गई तो मुझे प्रधान थाने लेकर गई, वहाँ से मुझे लखीमपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने अभी क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने अभी कुछ नहीं कार्रवाई की, अभी तो मेरे बयान भी नहीं पड़े हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि मुझे न्याय मिले, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मेरे जीने की आशा समझो खत्म है। मैं 10 दिन से कुछ मतलब खा पी नहीं रही हूँ, ऐसे ही बहुत मम्मी पापा लोग कहते हैं तो खाती हूँ, और समझो मैं आत्महत्या करने के लायक हो गई हूँ। मैं अगर न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। हमारी बहन 27 तारीख को मार्केट गई थी, वापस आ रही थी लगभग 6:30 बजे। उसी समय हमारे जो खिलाफ के लोग हैं, दुश्मनी है जिनसे, वो पीछे से आकर गाड़ी में इसको डाल ले गए। अभी पुलिस उस पर क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस इसमें कोई अभी तक कार्रवाई नहीं ली है, पुलिस अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। पुलिस ने विरोधी पार्टी धमकी दे रही है, हमको जान से मारने की धमकी दे रही है और मुकदमा जो है वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। हमारी बहन के साथ बलात्कार हुआ, बहन हमारी गोला गई थी मार्केट और हम लोग बहुत परेशान हैं तो इस बात से, और पुलिस कुछ भी हम लोगों की बात नहीं सुन रही, कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही। परिवार के लोग हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोगों को न्याय नहीं मिला अभी तक। क्या बोला जा रहा है कि आप लोगों को ऐसे हमारी बहन की इज्जत उछाली है कि आपके बहुत बच्चे हैं परिवार में, आप लोगों को जीने नहीं देंगे।